सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और मैं अब खड़ा हूँ यहाँ एक स्ट्रीट पर दोस्तों। और आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी कि आज हम बात करेंगे उन 6 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे हम फोटोग्राफी जो है बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और दोस्तों, आज का जो मेरा सबसे पहला टिप है वो ये है कि आपको फोटोग्राफी सीखने के लिए बहुत बड़े बड़े गियर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए एक बेसिक DSLR और एक बेसिक लेंस के साथ जो है अपनी फोटोग्राफी शुरू कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, फोटोग्राफी सीखने का सबसे अच्छा जो जगह होती है वो होती है स्ट्रीट फोटोग्राफी, यानी कि आपको अपना कैमरा और लेंस के साथ घर से बाहर निकलना है और जाना है जगह जगह, यानी कि स्ट्रीट्स के ऊपर घूमना है और वहाँ जो है आपको अपने सब्जेक्ट्स को ढूंढना है, उस हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है फोटोग्राफी की। अब बात करूँगा दोस्तों मैं आज के दूसरे टिप की। और दूसरा जो मेरा टिप है दोस्तों वो ये है कि हमेशा जब भी आप शूट करें तो आप सीखते वक्त, हालांकि मैनुअल सेटिंग सबसे बेस्ट होती है, लेकिन चूंकि आप अभी आप सीख रहे हैं तो आपको अपना जो कैमरा है वो रखना है आपको अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे होता ही है कि जब आप शूट करते हैं तो कई बार आपके सब्जेक्ट्स मूविंग होते हैं या कई बार जो सिचुएशंस होती हैं बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं स्ट्रीट पे, तो वहाँ अगर आप अपनी कैमरा सेटिंग्स करने बैठ जाओगे तो वो मोमेंट हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अब अपना जो कैमरा सेट कर दिया है अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो बार बार सेटिंग्स चेंज करने में। और मैं अब लूँगा आपका नाम मैं ललित झा जी जो है, जो इनका एक स्टॉल है यहाँ पे मुंबई की स्ट्रीट पे। और ललित झा जो है साहब बहुत अच्छी जो है यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाते हैं, खिलाते हैं लोगों को। और जब भी आप स्ट्रीट पे शूट करें तो जो भी मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हैं बट अभी दोस्त बन गए इनसे मेरी बात हुई है, तो आप जब भी शूट करें स्ट्रेंजर्स के साथ तो उनके साथ आपको जो है दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए और उनको थैंक्स जरूर बोलना चाहिए शूट करने के बाद। तो दोस्तों आपने देखा मैंने कुछ फोटोज लिए इनके, जहां मैंने इनका लिया कुछ हेडशॉट, कुछ मैंने इनकी जो एक कर्ची उसका फोटो लिया है, और ये जो आप देख रहे हैं डब्बे का ये मैंने फोटो लिया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ हमको एक ही स्टॉल पे जो है 3-4 सब्जेक्ट्स मिल गए, यानी कि मैंने इसको भी शूट किया, ये भी शूट कर लिया और इनके भी कुछ मैंने पोर्ट्रेट्स ले लिए। तो इस तरह आपको बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं और स्ट्रीट जो है वो अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस होती है दोस्तों। सो दोस्तों अब जो मेरी आज की तीसरी टिप है वो ये है कि यूज़ वाइड एंगल लेंस फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी। अगर 24-70 का लेंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपना 18-55 का लेंस या फिर आप 24-120 का लेंस या फिर आपके पास जो भी वाइड एंगल लेंस है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत में लेंस कोई भी चलेगा वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों अब जो है मैं अपने वाइड एंगल लेंस से कुछ पिक्चर्स लेता हूँ कुछ शॉप की या फिर रोड की और देखते हैं वाइड एंगल इमेजेस हमें कैसी मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ पिक्चर्स मैंने ऐसे रैंडम क्लिक किए हैं जस्ट टू शो यू कि इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो स्किल्स एज अ फोटोग्राफर वो बहुत जल्दी आपके अच्छे होंगे। और स्ट्रीट फोटोग्राफी जो है आपको हफ्ते के अंदर कम से कम 4 बार ज़रूर करनी चाहिए एज अ बिगनर, जिससे आपको प्रैक्टिस हो अच्छे से, आपको एक्सपोजर ट्रायंगल भी समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी फोटोग्राफी कितनी इम्प्रूव हो रही है दोस्तों। और आज का जो मेरा चौथा टिप है वो है यूज़ वाइड अपर्चर, यानी कि अगर आपको इमेज को ब्लर करना है, अपने सब्जेक्ट को फ्रेम फ्रंट पे रखना है और बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो आप जितना कोशिश करिए वाइड अपर्चर शूट करिए, यानी कि 1.4 2.8 पे शूट करेंगे तो आपको आप देखेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है पीछे का वो एकदम हो जाएगा ब्लर। अगर 2.8 लेंस नहीं है तो आप कोशिश करिए 4 या 5.6 पे शूट करने के लिए और थोड़ा सब्जेक्ट के पास जाइए जिससे कि आप जो है ब्लर वाले इफेक्ट वाली इमेजेस निकाल सकें। तो चलिए मैं कुछ इमेज शूट करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ब्लर इमेज कैसे मिलती हैं। भैया एक थोड़ा सा नाम क्या है आपका भैया?
इतना गुप्ता आप क्या ऑटो चलाते हैं? एक फोटो ले लें आपका भैया। तो हम जो है ये ऑटो ड्राइवर हैं, इनका एक फोटो ले लेते हैं क्लोजअप और देखते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर होता है कि नहीं। थोड़ा सा आप आगे आएंगे, बस 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 इतना, थोड़ा सा खाते हुए। हाँ ये हाँ, अब यहाँ मैं शूट कर रहा हूँ दोस्तों 2.8 पे और मेरी जो सेटिंग है 200 शटर स्पीड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा बैकग्राउंड ब्लर मिले। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड काफ़ी हद तक हमारा ब्लर हो गया, जबकि मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइड एंगल जूम लेंस। और आप देख रहे हैं जो हमारे ऑटो वाले भाई साहब हैं, इनका बैकग्राउंड ये कितने अच्छे से फ्रेम में आए। और जो मेरा आज का दोस्तों पांचवा टिप है वो ये है कि शूट पोर्ट्रेट्स ऑन स्ट्रीट। पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करने के लिए स्ट्रीट से अच्छी कोई जगह नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ भाई साहब हैं ये बर्तन साफ कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इनका हम पोर्ट्रेट लें। और जब आप पोर्ट्रेट लेंगे तो आप हर तरह के पिक्चर्स ले पाते हैं, चाहे उसमें हेडशॉट हो या पिक्चर्स यहाँ तक आ जाए या जो प्रॉपर्टीज़ वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं लेता हूँ इनके एक दो पोर्ट्रेट्स और देखते हैं हमें किस तरह के पोर्ट्रेट्स मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमें कुछ पिक्चर्स इनके अच्छे मिले हैं, पोर्ट्रेट्स भी। सो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि स्ट्रीट के ऊपर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हो, आप वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हो, आपको कोई भी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट दिखता है आप उसकी फोटोग्राफ ले सकते हो। इन सब का जो एडवांटेज होता है दोस्तों वो ये होता है कि आपकी जो फ्रेमिंग है वो अच्छी होती है, आपकी कंपोजिशन पे आपका हाथ साफ होता है, एक्सपोजर ट्रायंगल है उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस होने लगती है और आपके जो फोटोग्राफी स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से एनहेंस होते हैं। सो स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ वेरी वेरी मस्ट फॉर ऑल बिगनर फोटोग्राफर्स। अब जो मेरी आज की आखिरी टिप है दोस्तों वो ये है कि शूट ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ऑन स्ट्रीट। ब्लैक एंड वाइट इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ब्लैक एंड वाइट इमेजेस जब आप शूट करते हैं तो आपको मिलता है बहुत सारा ड्रामा, यानी कि ब्लैक एंड वाइट का एक अलग ही फ्लेवर होता है। इमेजेस जो हैं वो काफ़ी ड्रामेटिक होती हैं, काफ़ी सारा ड्रामा क्रिएट होता है ब्लैक एंड वाइट इमेजेस में। तो अब मैं कुछ लूँगा ब्लैक एंड वाइट इमेजेस और फिर हम उसको स्क्रीन पे भी देखेंगे कि किस तरह की पिक्चर्स आती हैं। तो दोस्तों अब मैं लेता हूँ इनके ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स, ये अपने ऑटो रिक्शा में बैठ गए हैं, कुछ पोर्ट्रेट्स लेते हैं इनके, देखते हैं कैसी आती हैं पिक्चर्स। इधर इधर लेंस में देखना भैया। और ये आपको वीडियो सिर्फ इसी मकसद से बनाया है कि आप इन छह अगर टिप्स को आप फॉलो करोगे और ध्यान रखोगे जब आप फोटोग्राफी की प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप देख पाओगे कि आपके जो बेसिक्स हैं फोटोग्राफी के वो बहुत अच्छे से होंगे, यानी कि आपका एक्सपोजर ट्रायंगल पे हाथ सेट होगा, फ्रेमिंग पे, कंपोजिशन पे। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आपको जो है लाइट कैसे बिहेव करती है उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगेगा। सो बस ज़रूरत इस बात की है कि बस अपना कैमरा और लेंस उठाइए और स्ट्रीट पर निकल जाइए। दूसरी चीज़ मैं आपके बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके पास वाइड एंगल लेंस नहीं है तो 50mm का लेंस भी बहुत काफ़ी होता है इस तरह की स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के लिए। तो बस आपको इस तरह से ध्यान रखना है इन चीज़ों का। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।